मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टू का हिंदी और आज हम लोग करेंगे इसमें रिवीजन। रिवीजन करने के लिए आप लोग हिंदी की कॉपी लीजिए, उसमें हम लोग हिंदी और हिंदी व्याकरण दोनों का ही रिवीजन करेंगे। ओके, तो जैसे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं प्रश्न, आप लोग इसे अपने कॉपी में लिखेंगे और इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन जो बाकी के जो बुक्स के क्वेश्चंस हैं, प्रश्न उत्तर और भी जितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, पोएम भी आप लोग लर्न कर लेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी अच्छे से पढ़िएगा। और ये जो रिवीजन में कराई जा रही है इसे भी पढ़िएगा, और जो बुक्स में हैं जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, सुबह और रात दोनों समय वीर किससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया है, चॉकलेट कैसे बनाई जाती है। तीसरा है, अम्मा कवि को किस प्रकार सुलाती है। चौथा है, अवनी को क्या पसंद था। पांचवा है, मंत्री ने नेहरू जी को क्या बताया। छठा है, भाषा के कितने रूप हैं। सातवां है, संज्ञा किसे कहते हैं। आठवां है, नीचे दिए गए पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। ये पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, आप लोग को स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं, जैसे दूल्हा का दुल्हन, दादा का दादी, ठीक है, बैल का चिड़ा, माली, इसी तरह से आप लोग को स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। फिर क्या दिया हुआ है, रेखा खींचकर विलोम शब्दों का सही मिलान कीजिए। ये विलोम शब्द हैं, जिसका सही होगा उसको आप लोग को मैच करना है। फिर प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्द के समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, जैसे वर्षा का समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं वो लिखेंगे, पक्षी का क्या होता है, जल का क्या होता है, बेटा का, ठीक है। आप लोग इस तरह से इसे रिवीजन अपने कॉपी में लिख लेंगे और इसे अच्छे तरह से पढ़ेंगे, और जो बाकी क्वेश्चन है आप लोग उसे भी अच्छे तरह से पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।